ये लेस बनाने के लिए मैंने स्मॉल बीड्स यूज़ किए, ये पर्ल्स हैं पर बहुत ज़्यादा छोटी है। इसे ऐड कर लेंगे और थ्रेड को अटैच करेंगे और इसके बाद हमें चेन थ्री सिंगल क्रोशे की बेस लाइन बनानी है। 1 2 थ्रेड अटैच करने के बाद 3 चेन्स बनाएं और इसे अटैच कर देंगे। चेन 1 2 3 थोड़ा आर्च शेप में इसे अटैच करना है, एकदम स्ट्रेट भी नहीं करना है, इस तरह से। तो ये कंप्लीट करें फर्स्ट रो, फिर टर्न करके हम सेकेंड रो बनाएंगे। ये रो राइट साइड पे कंप्लीट होने के बाद 2 चेन्स बना के टर्न करेंगे। अब सिंगल क्रोशे बनाएंगे फर्स्ट स्पेस में, बीट के साथ में एक बीट को स्लिप करेंगे और सिंगल क्रोशे को कंप्लीट करेंगे। फिर से सेम रिपीट करेंगे, 1 2 नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे और एक बीट को स्लिप करेंगे और सिंगल क्रोशे। राइट साइड में डिज़ाइन अपीयर होना स्टार्ट होगी। अब चेन 1 बनाएंगे और बीट 3 को स्लिप करते जाएंगे हर चेन के साथ में। इस तरह से अब हमें पीछे आना है और ये जो गैप है हमारा सिंगल क्रोशे का, यहाँ पर हमें इसे अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे बनाते हुए। तो ये इस तरह से अटैच होगा, 1 बीट के हेड पे 3 बीट्स, इस तरह से। ये डिज़ाइन एंड होने के बाद हमें सेम रिपीट करते जाना है, 2 चेन्स सिंगल क्रोशे विद बीट। तो अब सेम कंटिन्यू करेंगे और ये डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन को कंप्लीट करें।